प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी के कहर और लू से लोग बेहाल हो रहे हैं। खासतौर से ग्वालियर चंबल रीजन में गर्मी का ज्यादा असर देखा जा रहा है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जहां लू के मरीजों को बचाने के लिए जिले के अच्छे अस्पतालों में लू वार्ड बनाए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में नौतपे की गर्मी का ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। वहीं तापमान 46 डिग्री के आसपास बना होने से मरीजों की लू आदि की शिकायतें अब बढ़ गई है। इसे लेकर शहर के 6 अस्पतालों में हीट स्ट्रोक लू वार्ड बनकर तैयार हो गए हैं। सिविल अस्पताल हजीरा में 8 मरीज भर्ती हुए हैं, जिनमें से 7 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इन मरीजों को अत्यधिक थकान के साथ हाथ पैरों में दर्द और ज्यादा गर्मी की शिकायत थी। इसी के साथ ही जिला अस्पताल मुरार और दीनदयाल नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी वार्ड बनकर तैयार है। यहां पर मरीजों के लिए दवाओं के साथ ओआरएस का घोल सहित अन्य गर्मी से बचाव की चीजें रख दी गई हैं। ग्वालियर का तापमान इस समय बहुत अधिक है। ये मैं अपने जो पिछले रिकॉर्ड के अनुसार ये अधिकतम तापमान चल रहा है। इस तापमान में निश्चित तौर पर हीट स्ट्रोक के मरीज बहुत निकलने की संभावना रहती है। इसको देखते हुए हमारी जो है ग्वालियर की जिलाधीश महोदया है, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन और निर्देश दिए हैं। उन निर्देशों का पालन करते हुए हम लोगों ने हमारे स्वास्थ्य विभाग में 3 शहरी क्षेत्र में और 3 ग्रामीण क्षेत्र में लू वार्ड तैयार किए गए हैं। हमारा एक जिला चिकित्सालय है, वहाँ पर हमने लू वार्ड तैयार किया है। सिविल हॉस्पिटल हमारा हजीरा है, वहाँ पर हमने लू वार्ड तैयार किया है। और दीनदयाल नगर CSC है, वहाँ पर लू वार्ड तैयार किए हैं। ऐसे ही ग्रामीण अंचल में 3 जगह बिसरवा, डबरा और मोना में लू वार्ड तैयार किए हैं। आपको गर्मी के समय में या जिस समय अधिकतम तापमान होता है दिन का, उस वक्त प्राय कोशिश करना चाहिए घर से कम निकले, या संभव हो तो न निकले 12 से लेकर के 5 बजे तक जब अधिकतम तापमान होता है। और इसके अलावा हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखें, शरीर का तापमान कम रहेगा। पानी अधिक मात्रा में पिए, लिक्विड पदार्थ पिए, उसमें कुछ भी हो सकता है, नारियल का पानी भी हो सकता है, जलजीरा भी हो सकता है, पानी अधिक पिए और लू से बच के रखें, अपने शरीर को ढक के रखें। अगर बहुत आवश्यक है आपको निकलना धूप में, तो फिर अपना उसके बचाव के साधन लेके चलें, जैसे छतरी है, या शरीर ढक के चलें, इस तरीके से बचाव करें। और जरा भी अगर आपको लगता है कि हमें कोई परेशानी आ रही है, तो तुरंत हमारे यहाँ चिकित्सालय में जा करके और उपचार लें। बता दें कि वर्तमान में स्थिति यह है कि हर दिन OPD में ही 25-30% मरीजों में लू के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, ग्वालियर।